ग्रुप देखकर आपका हालत खराब हो। अरे मुझे लड़ फर्क नहीं पड़ता है ग्रुपों से, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फाइनल्स में भी तो सारी टीम मिलेंगी। पारी फर्स्ट रिएक्शन क्या था ग्रुप देख के, किसने बताया आपको ग्रुप का? अरे कोई मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मैं तो तुम्हें पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, कोई मेरे को टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम वो ग्रुप में कम्पीट करने लायक नहीं होंगे तो इसका मतलब अपन फाइनल्स में कम्पीट करने के लायक नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो फिर वाई टू गेट स्केयर्ड और वाई टू मेक इट ओवर ड्रामा, नीड दिस कॉन्फिडेंस। यार कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है भाई। आर करेंगे तो क्या ग्रुप चेंज हो जाएगा? नहीं ना, तो चिल करो बे, क्या पता है ग्रुप ही हमारी वजह से वो। गाइस प्रैक्टिकल बात है, तुम सोच के देखो, अगर हम क्वालिफाई हो जाएंगे, बाकी लोग बाकी टीम्स क्वालिफाई हो गया होंगी, तो फाइनल्स में भी तो वही टीम होंगी ना। अगर हम लोग क्वालिफाई होने के नहीं लायक होंगे तो मतलब अपन फाइनल में भी टॉप फोर आने के लायक नहीं है, सिंपल है, सिंपल है ना। सेमीफाइनल्स में भी कुछ ऐसा ही है कि 2 वीक में जो जो टॉप टॉप एट रहेंगे वही क्वालिफाई होंगे, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से। तो भाई फिर वो तो वो है, सोल और जी का ड्रॉप क्लैश होगा। हाँ ब्रो, और हर बार होता है तो इस बार भी होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। सैनो का करो कुछ, नहीं यार मेरे को फाइट लेके ठीक लगता है यार, इधर उधर जाके कहीं पे और स्ट्रगल करेंगे, लूट करेंगे। सैनो मैप ही गंदा है, इससे बेटर पहले ही लड़ाई कर लो, चेंज करने का तो भी प्लान नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो मतलब मेरा ही कंफर्टेबल ड्रॉप है ना। अब कोई उधर टीम आएगी तो हमें फाइट लेनी ही पड़ेगी ना। सैनब तो मैप ही नहीं है, मैं नहीं मानता। हाँ सैनब तो मैप ही, मैं मैप ही नहीं गिनता हूँ उसको, मतलब ये नहीं मुझे समझ आता कि वो स्पोर्ट्स में है क्यों। लोगों ने हल्के में ले लिया है, नहीं आरआर और ट्विटर की बात नहीं है, लोग हल्के में ले लिए हैं। पॉइंट ये है कि थोड़ा हम लोग शांत है, हम लोग को मतलब नहीं है, तो लोग आज का सोचते हैं कुछ भी करेंगे एंड दे विल गेट अवे विद इट। फिर हम अगर फटेंगे तो उनकी गांड फट जाती है ना। उंगली जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, ये अभी से नहीं कर रहे हैं, इनकी उंगली 2019-20 से देख रहे हैं, सुधरना है नहीं इनको। फिर आके कोई कुछ बोल देता है तो इनकी गांड फट के हाथ में आ जाती है। कुछ लोगों को मॉडल के बर्थडे के दिन चुतियापा करना है, कोई नहीं, वही बात है। मैं बस यही बोलूंगा, पहली बात, दो तीन चीजें हैं जो मैं एड्रेस करता हूँ, ठीक है। आप लोग SA12 के क्रिएटर्स को उंगली करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रॉडकास्ट में क्या लिख रहे हो, आपके फ्रेंड्स अपने ट्विटर पे क्या लिख रहे हैं, आपको लगता है हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन नाम लेके बजेंगे उस दिन जो ऑलरेडी खत्म हो, कुछ कोई देखता नहीं है, किसी को आपसे मतलब नहीं है, पूरा खत्म हो जाओगे। ये आज और कल वाले इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं, एक दूसरे इंसिडेंट से रिलेटेड है जो कभी ना कभी बाहर आएगा, और जो लोग को समझ में आ रहा है कि मैं ब्रॉडकास्ट की अगर बात कर रहा हूँ, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है, आप समझोगे। है कुछ छोटे यूट्यूबर जो कंसिस्टेंटली बेफालतू उंगली कर रहे हैं,